हेलो गाइस, देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सीएसईआर नेट पीजीटी में इसका क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने हिमाचल प्रदेश के पीजीटी से ये क्वेश्चन लिया है, 2024 में रिसेंटली पूछा गया है। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन इसमें मुश्किल नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, सीएसईआर नेट में भी आता है और डिफरेंट पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा। आप ऑप्शन को इलिमिनेट करके चेकआउट करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और रिविजन पर्पज के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं वन बाई वन। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो यहाँ पे 9 से स्टार्ट हुआ है बट इसके पहले का सारा क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है ना। तो मैं डिफरेंट पीजीटी के क्वेश्चन करके रखा हुआ हूँ, वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑल पीवाईक्यू पीजीटी। तो आप वहां से जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमको ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे नॉट पूछा है, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे हम लोग। तो वन बाय वन देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बिल्कुल करेक्ट बात है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन अ रिंग विच इज आइसोमोर्फिक टू एन इंटीग्रल डोमेन। तो देखो ये इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बीच का रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस किए हैं। और इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक बार बताया था वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बहुत ईजी होता है समझने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा है इंटीग्रल डोमेन, ये पूरा जो है इंटीग्रल डोमेन का सेट है। तो हमको पता है कि जो भी डिवीजन रिंग है ना वो क्या होता है, वो एक तरह का इंटीग्रल डोमेन होता है। जो भी डिवीजन रिंग है, ये जो ब्लैक वाला है कि ये मैंने बनाया है डिवीजन रिंग का, ठीक है। तो जो भी डिवीजन रिंग है वो क्या है, वो एक तरह का इंटीग्रल डोमेन होता है। अच्छा, इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, हर डिवीजन रिंग इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सारे इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग होंगे तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जैसे मान लो कि आपने जो है यूनिवर्सल सेट लिया है, मान लो ट्री, ऑल ट्रीज, ठीक है, जितने भी पेड़ हैं उसका आपने ले लिया यूनिवर्सल। तो अब आप इसमें अगर कोई सेट ऑफ मैंगो ट्री लोगे, आम के पेड़ का, ठीक है, मैंगो ट्रीज का सेट, मैंगो, तो नो डाउट जितने भी आम के पेड़ हैं वो एक तरह के पेड़ ही हैं, तो वो पूरा पेड़ के ही सेट के अंदर आएगा। लेकिन हर पेड़ आम का पेड़ नहीं है, ठीक है, मतलब हर मैंगो ट्री एक ट्री है बट इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, हर ट्री एक मैंगो ट्री नहीं होता। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रल डोमेन आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, डिवीजन रिंग के लिए। तो हर डिवीजन रिंग एक इंटीग्रल डोमेन है बट इसका कन्वर्स जो है वो ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से डिवीजन रिंग के अंदर आता है कौन, फील्ड, बात देखिएगा, ये हो गया मेरा फील्ड का विनन, ठीक है। तो हर फील्ड एक डिवीजन रिंग है, कंसिक्वेंटली हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, जबकि आपको नॉट लेना है, ठीक है। जबकि बोलता है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, हाँ ये सही है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन हम अगर ले लें फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले लें तो हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, एक फील्ड होता है। ये एक फेमस थ्योरम है, इसको हमने प्रूव भी किए हैं और कई सारे एग्जांपल से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। सो अगेन इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, बट हमको चूंकि नॉट लेना है तो अभी तक हम अपने ऑप्शन पे नहीं पहुंचे। तो आगे बढ़िए, अब बोलता है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो अब ये उल्टा वाला बात बोल रहा है कि हर इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होगा, तो ये जरूरी नहीं है। और मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूं इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का, किसका, इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। चूंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो तो फील्ड होता है, तो यानी फाइनाइट के अलावा, तो जो इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है उसमें कुछ इंटीग्रल डोमेन है जो फील्ड नहीं होते, उसमें एक फेमस है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, ओके। इसके पास में क्या होता है, जीरो डिवाइजर्स होते हैं, मतलब कि आप कोई भी दो इंटीजर को लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये तभी जीरो आएगा जब दोनों में से कोई एक जीरो हो, ठीक है, या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, वो अंडर मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रल डोमेन है, राइट। और यहां पे ये है कि जब भी हम दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तभी जीरो होगा जब दोनों में से कोई एक जीरो हो, यानी कि इसके पास में जीरो डिवाइजर्स नहीं है। और जिस सेट के पास में जीरो डिवाइजर नहीं होता है वो क्या होता है, वो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, सो यह एक इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है और ये एक फील्ड नहीं है,
ये क्या है, एक फील्ड नहीं है। फील्ड क्यों नहीं है, तो आपको पता है कि इसके पास में सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि फील्ड के लिए क्या होना चाहिए कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का यूनिट होना चाहिए, यानी उसको एक मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स रखना चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि इंटीजर में जो भी इंटीजर है उसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये फील्ड नहीं है। सो एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो यहां पे आपको नॉट लेना था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन एनी रिंग विच इज आइसोमोर्फिक टू एन इंटीग्रल डोमेन। हाँ, तो ये करेक्ट है, इसलिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जीरो डिवाइजर्स चूंकि नहीं होते हैं, इसलिए आप वहां पे कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। सो इट इज ए अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमको नॉट करेक्ट लेना था, तो आपका ओनली यहां पे सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, मतलब मैं इसको एक बार रिकॉल करा रहा हूं, वरना ये बहुत इजी चीज है, आप पहले से इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पे 10 क्या बोलता है, इफ यू एफ डी डिनोट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, पी आई डी डिनोट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एवरी फील्ड इज यू एफ डी, एवरी पी आई डी इज यू एफ डी, एवरी यू एफ डी इज पी आई डी, ए यू एफ डी हैज नो जीरो डिवाइजर्स। भाई देखो ये अगेन जो है, इसको मैंने वेनन से समझाया था, याद रखना काफी आसान है, क्योंकि यू एफ डी पी आई डी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसका डेफिनेशन भी जानते हैं, ठीक है। बट इसको अगर समझना है आसानी से, तो आप एक वेनन से समझ सकते हैं। जैसे इसमें भी हम लोग जो यूनिवर्सल लेंगे वो लेंगे क्या, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। ये मेरा मान लो इंटीग्रल डोमेन का सेट है। तो याद रखिएगा कि कोई भी जो आपका फैक्टराइजेशन डोमेन होता है, ठीक है, इसको हम थोड़ा कम कर दिए, छोटा कर दिए, ये हो गया हमारा एफ डी फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है। तो जो भी फैक्टराइजेशन डोमेन है ना, राइट, जो भी फैक्टराइजेशन डोमेन है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। और इसमें अगर एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यू एफ डी, ये यू एफ डी बन गया, ठीक है। तो हर एफ डी इंटीग्रल डोमेन है, जो भी फैक्टराइजेशन डोमेन है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। देखो डी मतलब डोमेन, तो यहां पे जो डोमेन लिया जाता है वो इंटीग्रल डोमेन लिया जाता है, ठीक है। तो हर फैक्टराइजेशन डोमेन आपका एक इंटीग्रल डोमेन है, हर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एक फैक्टराइजेशन डोमेन है, सो इट इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। और जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है वो यूएफडी के अंदर आता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पीआईडी, तो हर पीआईडी एक यूएफडी है, ठीक है। जबकि इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यूएफडी एक बड़ा सेट है, तो यूएफडी में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऐड होंगे तो वो पीआईडी बन जाएगा। तो हर पीआईडी एक यूएफडी है, क्योंकि वो यूएफडी के अंदर आता है, बट इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, यानी हर यूएफडी पीआईडी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको छोटा कीजिएगा तो आपको बनेगा पीआईडी के अंदर आ जाता है इंटीग्रल यूक्लिडियन डोमेन, ईडी, क्या आ जाता है, यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। और इस यूक्लिडियन डोमेन के अंदर आ जाता है आपका जो बिल्कुल कॉन्क्रीट होता है वो होता है फील्ड, ओके। तो हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन है, नो डाउट, हर फील्ड यूक्लिडियन डोमेन है, हर फील्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और फैक्टराइजेशन डोमेन भी है, लेकिन इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है। तो यहां से एवरी फील्ड इज यूएफडी, तो डेफिनेटली फील्ड एक यूएफडी होता है, करेक्ट, बट आपको लेना है नॉट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एवरी पीआईडी इज यूएफडी, यस, पीआईडी को देखो यूएफडी के अंदर आ रहा है, सो करेक्ट, एवरी यूएफडी इज पीआईडी, तो ये देखो कन्वर्स इसका ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा, तो ये नॉट करेक्ट होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको नॉट ट्रू लेना था, ठीक है। और ए यू एफ डी हैज नो जीरो डिवाइजर, यानी कि यू एफ डी क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन होता है, ये बोल रहा है ना, नो जीरो डिवाइजर यानी इंटीग्रल डोमेन, तो नो डाउट यू एफ डी पी आई डी ई डी सारे क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, तो ये अगेन आपका करेक्ट है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, तो दोनों जगह पे करेक्ट ऑप्शन सी था, और वेनन डायग्राम का यूज करके आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाएगा। फिर देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, बोलता है कैलेस थ्योरम स्टेट्स दैट। अब देखिए कैलेस का थ्योरम क्या कहता है, तो ये कहता है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परमुटेशन, यही कहता है, पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हम लोग परमुटेशन ग्रुप में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे बी नंबर है, ओनली फाइनाइट ग्रुप आर आइसोमोर्फिक, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो अब देखो ये तो सही है कि कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, बट आपको यहाँ पे कैलेस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल, कि कोई भी ग्रुप जो है ना वो आइसोमोर्फिक होता है टू ए ग्रुप ऑफ परमुटेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन,
ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये सब कैलियस का नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, कैलियस का जो थ्योरम कहता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड था, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो वो तो बिल्कुल लॉलीपॉप कैटेगरी का है, वो आप बहुत जल्दी बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगेन ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। क्या बोलता है यहाँ पे आपको दो परमुटेशन दे रखा है, ठीक है। एक आपका सिग्मा है, आप देख सकते हो 1 3 2 1 3 4 4 5 5 6 6 2, और टाउ है आपका 1 2 2 4 3 1 4 3 5 6 6 5, आर टू परमुटेशन इन दी साइमेट्रिक ग्रुप S6 देन सिग्मा टाउ स्क्वायर आपको पूछ रहा है, वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सिग्मा टाउ स्क्वायर जो निकालेंगे ना, तो इसका तरीका ये होगा कि चूंकि सिग्मा टाउ स्क्वायर क्या है, अगर आप देखोगे तो सिग्मा और टाउ स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि सिग्मा इंटू टाउ इंटू टाउ। ठीक है, मतलब हमको दो बार टाउ को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग टाउ का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाउ का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आपका जो टाउ पहले दिया, पहले उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देखो साइकिल कैसे है, 1 का आपका 2 है, ठीक है, दिख रहा है, 2 का 4 है, फिर आपका 4 का 3 है, ओके, और 3 का 1 है। तो यहाँ पे एक साइकिल आपका खत्म हो जा रहा है, क्योंकि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 3, 3 का 1, तो 1 से स्टार्ट किए थे, 1 पे खत्म हो गया। तो इसको मैं साइकिल में कन्वर्ट कर सकता हूँ टाउ को, पहले ऐसे 1 1 का 2, ठीक है, 2 का 4, 4 का 3 और 3 का 1, तो 1 पे 1 तो शुरू में लिख दिया, तो साइकिल बन गया। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका इसमें और एक ऐड हो रहा है, 5 का 6 और 6 का 5, तो 5 6 एक और साइकिल बन जाएगा, 5 6। ठीक है, तो टाउ मेनली मेरा ये है, अगर मैं इसको एक एरे में लिखूं साइकिल्स में, तो यहाँ पे 2 साइकिल बन रहे हैं। ठीक है, तो टाउ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो टाउ का स्क्वायर हो जाएगा टाउ इंटू टाउ। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग लिखेंगे 1 2 4 3 5 6, एक टाउ ये है, और फिर से सेम है तो सेम फिर बगल में लिख देंगे 1 2 4 3 5 6। ठीक है, अब देखते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना होता है, राइट मोस्ट से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, कंपोजिशन है तो राइट मोस्ट से स्टार्ट होगा, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हम लोग 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 का तो 1 ही है, 1 नहीं है तो 1 का 1, इसमें देखो 1 का 2, फिर इसमें 2 का 2, इसमें 2 का 4। ठीक है, तो 1 के बाद 4 आ गया, फिर 4 इसमें देखो तो 4 का 4, 4 का 3, 3 का 3, 3 का 1, तो साइकिल आपका बंद हो गया। अब ये सब देखो सारा कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है परमुटेशन ग्रुप में। ठीक है, तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हो ग्रुप थ्योरी का, जिसमें परमुटेशन को मैंने 1 बाय 1 सारा कुछ कवर किया है, तो वहां पे मैंने मल्टीप्लीकेशन बहुत आराम से समझाया है आपको, तो वहां पर जाके आप समझ लेना, बहुत जरूरी है मल्टीप्लीकेशन को जानना। ठीक है, तो ये हो गया, अब 1 4 हो गया, अब हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का 2, 2 का 4, 4 का 4, 4 का 3। ठीक है, फिर 3 को देखो तो 3 का 3, 3 का 1, 1 का 1, 1 का 2, तो फिर ये भी क्लोज हो गया। अब बचा 5, ठीक है, तो 5 को देखते हैं, तो 5 का 6, 6 का 6, 6 का 5 और 5 का 5, तो 5 तो खुद में क्लोज हो जा रहा है और 6 भी। तो सिंगल लेंथ के साइकिल का कोई मतलब होता नहीं है, तो एक्चुअली जो इसका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है क्या, 1 4 और 2 3। ठीक है, ये हमको 2 इसमें ट्रांसपोजिशन मिल रहा है, तो ये टाउ स्क्वायर हो गया। अब आपको निकालना है सिग्मा टाउ स्क्वायर, तो पहले सिग्मा लिखिए, सिग्मा में देख लेते हैं क्या साइकिल बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 का 3 है, ठीक है, फिर 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 2 और 2 का 1, तो इसमें एक ही साइकिल बन रहा है, एक ही एरे बन रहा है। क्या बनेगा देखिए, पहले 1 है, 1 का 3, ठीक है, 3 का फिर 4, फिर 4 में आ जाइए 4 का 5, फिर 5 का 6, 6 का 2 और 2 का फिर 1, तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा हमारा है 1 3 4 5 6 2 और टाउ स्क्वायर क्या आ गया, टाउ स्क्वायर आ गया है 1 4 और 2 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट से, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सामने की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले 1 से लेते हैं, तो 1 स्टार्ट करेंगे, 1 का इसमें देखो 1 है, 1 का 4, ठीक है, फिर यहां पे हमारा 4 का 5, तो 5 आ गया। चलिए आगे बढ़िए, फिर देखिए इसमें 5 का 5, 5 का 5, 5 का 6, तो 6 आ गया, फिर देखिए 6 का 6, 6 का 6, 6 का 2, तो 2 आ गया। ठीक है, फिर देखो 2 का 3, 3 का 3, 3 का 4, तो 4 आ गया। ठीक है, फिर देखोगे 4 का 4, 4 का 1 और 1 का 3, तो 3 आ गया, फिर देखो 3 का 2, 2 का 2 और 2 का 1, तो साइकिल आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो 1 5 6 2 4 3, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो तरीका इसका देखो ऐसे होगा लिखने का, पहले आप ऊपर में लिख लीजिए जो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब किसका क्या इमेज है, नीचे इमेज लिखते हैं, तो 1 का इमेज क्या है, तो देखिए 1 का इमेज है 5,
टू का इमेज क्या है, तो टू का इमेज है फोर। थ्री का इमेज क्या है, तो थ्री का इमेज है वन। ठीक है, फिर देखो फोर, फोर का इमेज क्या है, तो फोर का इमेज है थ्री। फाइव का इमेज, फाइव का इमेज है सिक्स, और सिक्स का इमेज है टू। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है सिग्मा टाउ स्क्वायर का। अब देखो पहला एलिमेंट 15 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या 15 है, तो यहाँ पे किसी में भी 15 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर तो देखिए यही होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि हम लोग जिस बुक को फॉलो करते हैं उस गैलियन के बुक में यही तरीका दिया है, और ये तरीका मैंने आपको समझाया भी है कि किस तरीके से, ये चूंकि एक तरह का कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन में किस तरीके से हम लोग डोमेन से स्टार्ट करते हैं, सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का देखो करेक्ट तरीका यही होता है, बट क्या है ना कि बहुत सारे बुक हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से नहीं करते, और वो एक्चुअली रॉन्ग वे है। बट यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मेरे को लगता है ना कि उसमें उसी तरीके से किया गया होगा। मतलब मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको लास्ट से स्टार्ट किया है, राइट टू लेफ्ट। बट बहुत सारे बुक में लेफ्ट टू राइट होता है, और मुझको लगता है यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट ही किया गया होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाउ का स्क्वायर में कोई फर्क नहीं आएगा, अगर आप राइट टू लेफ्ट भी करते हैं तो वही आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, कोई सुनिए। ठीक है, पहले देख लो, तो हम राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं, तो टाउ का स्क्वायर करेंगे, तो टाउ इंटू टाउ। ठीक है, ये यही चीज लिखेंगे यहां पर जो हम लोग लिखे थे, 1 2 4 3 5 6, 1 2 4 3 5 6। तो अगर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको लास्टली कंक्लूड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये है तरीका नहीं, बट बहुत सारे बुक में ऐसे ही किया जाता है, हमको लगता है इसी के फ्रेम में आंसर दे दिया गया है। बहुत जगह इस तरह का मिस्टेक वाला क्वेश्चन भी आता है, बट सीएसईआर नेट में या गेट के क्वेश्चन में आप देखोगे ऐसा ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है, उसमें जो मैंने किया वही रहता है। तो यहां पर देख लेते हैं, वन से स्टार्ट कीजिएगा, देखिए क्या आएगा। वन का देखिए, वन का टू, टू का टू, टू का फोर, फोर का फोर, तो वन का फोर हो गया। फिर देखो फोर का थ्री, थ्री का थ्री, थ्री का वन, और वन का वन, तो क्लोज हो गया 1 4 पे। ठीक है, फिर चलो टू से स्टार्ट करो, टू को लेते हैं, तो टू का फोर, फोर का फोर, फोर का थ्री, थ्री का थ्री, तो थ्री आ गया। फिर देखिए थ्री का वन, वन का वन, वन का टू, टू का टू, ये भी क्लोज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको 5 और 6 आ जाएगा। तो ये तो वही सेम आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कई में होता है ये ना कि चाहे आप इधर से लो या इधर से लो, फर्क नहीं पड़ता, बट ये कोई तरीका नहीं है, मतलब कि किधर से भी लो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको हमेशा जो मैंने ऊपर में बताया वही करेक्ट है, उसी से करना है। बस मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये करेक्ट हो गया, करेक्ट हमेशा वही होगा। आपको मैंने कॉम्पोजिशन से समझाया है कि किस तरीके से कॉम्पोजिशन का रूल है, तो वो लास्ट से ही मल्टीप्लाई स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, चलो तो टाउ स्क्वायर तो वही आया, अब सिग्मा टाउ स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा टाउ स्क्वायर, सिग्मा क्या है, 1 3 4 5 6 2, ये है, और ये आपका वही आ गया। ठीक है, टाउ स्क्वायर क्या आ गया, 1 4 2 3। तो यहां पे भी चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, तो क्या आएगा, चलो 1 से स्टार्ट किया, तो देखो 1 1 का 3, 3 का 3, 3 का 2, 2 हो गया। फिर 2 में आ जाओ, तो देखो 2 का है 1, ठीक है, 1 का 4, और 4 का 4, फिर 4 आ गया। फिर आगे बढ़ो, फिर देखो 4 का, ठीक है, 4 का देखो यहाँ पे, 4 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 आ गया। फिर आगे चलो 5 का 6, 6 का 6, 6 का 6, 6 आ गया। फिर आगे देखेंगे 6 का 2, 2 का 2, 2 का 3 आ गया। फिर देखिएगा तो 3 का 4, 4 का 1, और 1 का 1, तो आपका ये क्लोज हो गया। तो इस बार जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। इसको अगर मैं लिखूं परमुटेशन में तो कैसे लिखूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका इमेज बिठाइए, इमेज तो 1 का है 2, 1 का 2, 2 का है 4, 2 का 4, 4 का है 5, 4 का 5, 5 का है 6, 5 का 6, 6 का है 3, और 3 का है 1। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब आप इसको अगर ढूंढोगे ऑप्शन में, तो 1 2 2 4, 1 2 2 4, 3 1, 4 5, 5 6 6 3, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। बट मैं आपको फिर बोलूंगा कि इस क्वेश्चन से बचिए। ठीक है, हो जाता है कभी कभार एग्जाम में इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यही कहना चाहिए कि यहाँ पे चारों ऑप्शन रॉन्ग है, मैं तो यही बोलूंगा, आप यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन रेज कर दो। ठीक है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा,
ए गैलियन का बुक में ये दिया हुआ है, आप जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। तरीका यही है, और यही ये बिल्कुल लॉजिकल वे है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे हम लोग पहली बार मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये एक तरह का कॉम्पोजिशन है। परमुटेशन क्या है, अंडर कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है। उसका तरीका यही होगा कि जब भी आप लेंगे ना, तो हमेशा शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए आप एफ ऑफ जी निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स ना होता है, मतलब पहले आप जी एक्स को ले तो फिर एफ, फिर उसमें आप एफ की वैल्यू लाते हो, पहले जी एक्स का फंक्शन देखते हो। तो हमेशा ये ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता ही नहीं है कोई भी कंपोजिशन, तो इसीलिए करेक्ट यही रहेगा। बट यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो डी दिया गया है। किस तरीके से, तो बहुत सारे बुक में जो आपका लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, उस तरीके से दिया गया है, जो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है। बट मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे समझा दी, आप जाके मेरा ग्रुप का प्रमोटेशन देख लेना, जितना क्वेश्चन करोगे आपके लिए वो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है 13 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, 8, 12 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो लॉलीपॉप रिजल्ट है। बोलता है नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, साइक्लिक ग्रुप है, तीन साइक्लिक ग्रुप लिया गया है, एक 6 ऑर्डर का, एक 8 ऑर्डर का, एक 12 ऑर्डर का। अब हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, क्या है रिजल्ट, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ जेनरेटर्स, नंबर ऑफ जेनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो एन ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर होते हैं, तो 5n होते हैं, यानी यूलर नंबर 5n के बराबर होता है, ठीक है। और इसको आप जानते हैं ये यूलर फंक्शन है, तो यूलर फंक्शन कैसे निकालते हैं वो भी पता है। तो यहां पे अगर एक ऑर्डर आपका 6 है, तो उसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो 5, 6 हो गया, ठीक है। एक आपका 8 है ऑर्डर, तो उसमें कितना होगा, उसमें 5, 8 होगा। और एक आपका 12 है, तो उसमें कितना होगा, 5, 12 होगा। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो 5, 6 को लिख सकते हैं कैसे, 2 into 3, 5, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 3, और 5, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर into 3, ठीक है। अब ये सारा आयलर फंक्शन है, कैसे निकालते हैं इसको, तो काफी ईजी है। यहाँ पे तो ये दोनों प्राइम है, तो 5, 2 का वैल्यू 1 होगा, और 5, 3 का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5, 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर into 3 है, तो 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और 5, 3 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 आ रहा है, ये 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 माइनस 2, 2 into 2, 4 ही आ रहा है, तो 2, 4, 4 आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जो है आयलर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 को देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अगेन आपको बोलता है कि कौन करेक्ट नहीं है। सो देखिए, बोलता है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप आप लेंगे, उसका कोई भी सब ग्रुप बनाएंगे, तो वो साइक्लिक ही क्या आएगा, क्योंकि वो जनरेट हो रहा है किसी न किसी एलिमेंट से। और जब भी सब ग्रुप बनेगा, तो वो भी किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, तो वो साइक्लिक ही होगा, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये भी रिजल्ट है, पढ़ चुके हैं हम लोग, कि सब अबेलियन ग्रुप का आप कोई भी सब ग्रुप बनाइएगा, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, तो देखिए ये आपका रॉन्ग हो गया, यही करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि आपको नॉट लेना था। इसलिए कि भाई अबेलियन ग्रुप का आप जो भी सब ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक फेमस ले लेता हूं ना, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ठीक है, ये क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप है, नो डाउट, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक सब ग्रुप क्या हो जाएगा, Z2 क्रॉस Z2 हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, सब ग्रुप। लेकिन आपको पता है कि ये जो Z2 क्रॉस Z2 है, ये क्या है, ये नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2, 2 जो है को प्राइम नहीं है। तो इसलिए अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, ये जरूरी नहीं है। सो इट इज ए करेक्ट ऑप्शन, नॉट करेक्ट लेना था ना। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये तो काफी फेमस रिजल्ट है, ये करेक्ट है। सो नॉट करेक्ट इज ओनली सी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे 15 नंबर देख लेते हैं, क्या बोलता है, लेट जेड एंड क्यू रेस्पेक्टिवली डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड ऑल रेशनल, ठीक है। तो जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर है, और क्यू जो है सेट ऑफ रेशनल है। देन ऑल द यूनिट्स ऑफ द रिंग जेड प्लस जेड एंड रिंग क्यू रेस्पेक्टिवली, यूनिट्स पूछ रहा है आपको, है ना। तो यूनिट्स क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट्स क्या होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट्स बोलते हैं ना। मतलब सेट में जितना भी एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलेगा, वो यूनिट कहलाता है। तो अब आप देखो, यहाँ पे जेड प्लस जेड लिया गया है, एक रिंग है, तो एक्चुअली यहाँ पे
ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है, चूंकि जेड अंडर एडिशन एक रिंग होता है, जेड प्लस जेड यहाँ पे डायरेक्ट रिंग होगा, ठीक है। तो पहले देखिए सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन सा एलिमेंट का होता है यूनिट। तो यूनिट यानी जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो, तो एक वन का होगा और एक माइनस वन का होगा, बस यही हो सकता है, ठीक है। जो कि वन को, वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, वन होता है, और माइनस वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस वन होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, तो इसलिए जो यूनिट्स होंगे, यूनिट्स ऑफ जेड, वो क्या होगा, वो आपका वन और माइनस वन होगा। अब इस तरह का अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेता हूँ जेड प्लस जेड, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, तो इसको हम वन माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस वन से, ठीक है, ऐसे। इसको आपको लिखना होगा ऑर्डर पेयर में, तो कैसे लिखेंगे, तो वन वन, वन माइनस वन, माइनस वन वन, और माइनस वन माइनस वन, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ यूनिट्स इन जेड प्लस जेड डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और क्यू में क्या आएगा, तो जो रेशनल नंबर है, तो जो भी नॉन जीरो रेशनल है, जो भी आपका नॉन जीरो रेशनल है, सबका तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता ही है, ठीक है। जैसे मान लो टू है, तो टू का वन बाई टू होता है, दोनों रेशनल है आपका। मान लीजिए हम बात करेंगे थ्री बाई टू का, तो थ्री बाई टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका टू बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है, सबका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, तो इसके लिए तो ये हो जाएगा, और इसके लिए ऑल नॉन जीरो रेशनल, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छे से सोचेंगे तो आई होप आप लोगों को सब कुछ ईजी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या बोलता है, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सब में नॉट ही पूछा है, करेक्ट वाला बात नहीं है, हर जगह नॉट ही नॉट है। देख लेते हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये तो खैर करेक्ट, अभी हम देख चुके। ए फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, सही है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का जो भी सब ग्रुप बनता है वो भी साइक्लिक होता है, तो कंसिक्वेंटली अबेलियन भी होगा। ए ग्रुप इज सिंपल इफ इट हैज नो प्रोपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। सिंपल ग्रुप इसी को बोलते हैं कि जिसमें सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक तो ट्रिवियली आइडेंटिटी वाला हो, एक ग्रुप इटसेल्फ, अगर सिर्फ यही दो सब ग्रुप उसमें नॉर्मल है तो वो सिंपल है, ठीक है। तो हालांकि जो आइडेंटिटी वाला है इसको हम लोग प्रॉपर में लेते हैं, तो बहुत जगह ये डेफिनेशन मिल जाता है कि ए ग्रुप इज सिंपल इफ इट हैज वनली आइडेंटिटी एंड ट्रिवियल सब ग्रुप एज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो चलो यहाँ पर नो प्रॉपर लिखा है, इसका मतलब यही है, यहाँ पे यही लिया जाएगा कि इसके अलावा कोई और सब ग्रुप नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका ये आपका करेक्ट ही हो गया ना, ये भी तो करेक्ट हो गया, तो नॉट लेना है ना। ए ग्रुप इज सिंपल इफ इट हैज नो सब ग्रुप, ये आपका करेक्ट होगा। बोलता है ग्रुप सिंपल है उसके पास कोई सब ग्रुप ही ना हो, ऐसा थोड़ी होता है, ये और ये क्या है, सब ग्रुप ही तो है, और ये तो ट्रिवियल है, होगा ही होगा किसी भी ग्रुप में, ठीक है। तो कोई सब ग्रुप ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है किसी में, तो सिंपल होगा तो उसमें कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, सब ग्रुप तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, आप लोगों को भी इजी लग रहा होगा। चलो ये तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, एच और के फाइनाइट सब ग्रुप है जी का, तो ये तो सिंपल सा रिजल्ट हम लोगों को पता है कि अगर एच और के फाइनाइट सब ग्रुप हो तो ऑर्डर ऑफ एच के ये क्या होता है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर को ऐसे लिखा गया है तो सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आपका करेक्ट है, बिल्कुल बी नंबर। तो ये तो काफी सिंपल, एक कह सकते हो कि सब ग्रुप में एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उससे आपको पूछ दिया, तो कुछ तो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड था, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी था, सोचने वाला क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मैं सारे ही क्वेश्चन करता रहता हूँ आपको, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पूरा कोई कोर्स करना चाहते हैं पीजीटी का या सीएसएआर नेट का, तो उसके लिए मेरे पास में कोर्स भी अवेलेबल है, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप है मेरा MSC Learn Honesty, MSC Learn Honesty, ठीक है। तो ये इस एप्लीकेशन को आप लोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, PDF मिलता है, सिस्टमेटिक वीडियोज़ है, सिलेबस पूरा कवर किया गया, आप जैसे डाउट पूछ पाते हो तो बहुत मज़ा आता है, और बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत सारे बच्चों ने CSIR नेट और PGT तो बहुत सारे बच्चों ने गेन किया है, TGT वगैरह भी है, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, अच्छे फीडबैक्स आप जाकर वहाँ के देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे फ्री में काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्ले लिस्ट है, जाकर के आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।